हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटलेस सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आप ही लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। एक्चुअली मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जो कर रहे हो मुझसे, और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो आप लोगों को इसका आंसर जानना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोगों को चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर करवाया जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, हर्षिता देवी का है। उन्होंने पूछा है कि मैम, मैं 4 सब्जेक्ट तो हमारे कंपलसरी होते हैं, 2 सब्जेक्ट में कौन से चॉइस कर सकती हूँ। हर्षिता, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स था या फिर ग्रेजुएशन में आपने जो जो सब्जेक्ट रखा था, उसमें से कोई भी 2 पेपर आप ले सकती हैं। तो अपने ग्रेजुएशन का पेपर में आप ग्रेजुएशन के पेपर में से कोई 2 पेपर आप इसमें से चूज कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है नसरीन खान का है। इनका बोलना है कि हेलो मैम, मेरी एज 35, मैं बीएड करना चाहती हूँ, क्या अब मेरे लिए बीएड करना सही रहेगा? इस बार मैं एंट्रेंस दूँ या फर्स्ट ईयर कोर्स के लिए और वेट करना पड़ेगा? नसरीन, मैं आपको बताऊँ कि आपको जो है अभी बीएड 35 एज से कोई मैटर नहीं है बीएड में, बट ये है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगी, मीन्स किस क्लास के लिए पढ़ाने के लिए अप्लाई करोगी। अगर 1 to 5 में आप अप्लाई करोगी तो आपका एज निकल चुका है। 6 to 8 के लिए भी एज अप्रॉक्सीमेटली निकला है, तो अब आपके पास जो चांस है वो सिर्फ माध्यमिक का है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। तो उसके लिए आपको मास्टर करके बीएड करना होगा। अगर आपने अभी तक सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो उससे नहीं होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो आप मास्टर करके बीएड कीजिए। अगर मास्टर आपका हो गया है तो 1 ईयर का बीएड जहाँ से हो रहा है वहाँ से आप जो है एडमिशन ले लीजिए और वहाँ से कंप्लीट कीजिए। तो ये नसरीन का हुआ, जो कि बहुत सीरियस क्वेश्चन था इनका, जो आप लोगों को जानना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है स्टडी विथ मिश्रा, ये इनका यूट्यूब का नाम है। इनका क्वेश्चन है, बीएड करने के बाद पीजी कौन से सब्जेक्ट से सही रहेगा, अकाउंट या इकोनॉमिक्स? बिल्कुल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ये अकाउंट्स कॉमर्स का इकोनॉमिक्स है तो इसका उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर सिर्फ आप मुझसे अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं तो फिर तो मैं अकाउंट्स ही बोलूँगी, ताकि आप पीजी अकाउंट्स से अगर करते हैं आपका तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका जो है 11th 12th में ईजिली हो जाएगा। तो फिर आप अकाउंट्स से ही कीजिए, क्योंकि कॉमर्स की इकोनॉमिक्स का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राहुल गुप्ता का, ये पूछ रहे हैं कि बीसीए के बाद बीएड किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो देखिए, बीसीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही आप जाएंगे, तो ये टेक्निकल का ये हो जाता है। तो ये आपका कुछ साइंस में जाता है, कुछ एसएसटी में जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वो किस में जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, उसके आधार पर ही आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रेया गुप्ता का। श्रेया गुप्ता का क्वेश्चन है कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे 6 मंथ्स हो गया है एडमिशन लिए हुए, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, मैं सीटेट या टेट का एग्ज़ाम कब दे पाऊँगी? अभी आप नहीं दे पाएंगी, आप जो है जब आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, मीन्स सेकेंड सेमेस्टर कम्प्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में चांस ही नहीं है। जो स्टेट या सीटेट की एलिजिबिलिटी होती है वो आपका 1 ईयर बोलिए या फिर 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने पर दे सकती हैं, तो अभी आप नहीं दे सकती हैं, अभी आप प्रिपरेशन ही कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों का आंसर जानना है चाहिए था, और सभी के लिए बहुत सारे रिपीटेड ये क्वेश्चन थे, तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। इसलिए मैं बोलती हूँ, अपने क्वेश्चंस जो है आप हमसे करते रहिए, इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।